वेलकम फ्रेंड्स माय यूट्यूब चैनल आजू टेक्निकल। बहुत सारे लोगों ने काफ़ी कमेंट किया था कि भाई विंटर आ गए, विंटर का फ़ोटो एडिटिंग एंड ट्यूटोरियल लेके आओ। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको विंटर ट्यूटोरियल फ़ोटो एडिटिंग पिक्सआर्ट से और लाइटरूम के ऐप के मदद से आप कैसे विंटर फ़ोटो एडिट कर सकते हैं। तो वीडियो काफ़ी आज की इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तभी आपको वीडियो समझ में आएगी। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। तो सबसे पहले आपको इस तरह का फोटो ले लेना है और पीछे का बैकग्राउंड ग्रीन होना चाहिए, तभी आपका विंटर फोटो एडिटिंग काफ़ी प्रोफेशनल तरीके से होगा। तो इस फोटो को हम सबसे पहले लाइटरूम ऐप के अंदर शेयर कर लेते हैं। तो दोस्तों हम इस फोटो को लाइटरूम ऐप के अंदर शेयर कर लिए हैं। शेयर करने के बाद आपको यहाँ पे लाइट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इस पर आपको सिंपली से क्लिक करना है और इसके शेडो को माइनस कर देना है 41 के आसपास, और ब्लैक को भी माइनस कर देना है और वाइट को भी हल्का सा माइनस कर देते हैं 23 के आसपास, हाईलाइट को हल्का सा माइनस कर देते हैं। फिर आपको यहाँ पे विब्रेंस को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं 20 के आसपास और ट्रेंड को -4 कर देते हैं। मिक्स का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। फिर हमको रेड को थोड़ा सा हल्का सा इंक्रीज, ह्यू को -23 कर देते हैं, ऑल सैचुरेशन को 16 कर देते हैं। फिर आपको यहाँ पे ऑरेंज वाले में आना है, कलर टूल में आपको ल्यूमिनेंस को अपने हिसाब से बढ़ा देना है। अगर आपको फेस काफ़ी डल है तो इसको जितना बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा ब्राइट होगा। तो हम अपने हिसाब से अपने मॉडल का फेस पे डल कर लेते हैं कलर। फिर आपको क्या करना है, येलो कलर को सेलेक्ट करना है, इसके सैचुरेशन को -100 कर देना है और इसके ल्यूमिनेंस को +100 कर देना है। फिर आपको ग्रीन वाले टूल में आना है, इसी तरह सैचुरेशन के इसका -100 कर देना है और इसका +100 कर देना है। इस तरह करने के बाद आपको यहाँ पे थोड़ा इसको हम बढ़ा लेते हैं ब्लू वाले को अपने हिसाब से, इसका शर्ट का कलर काफ़ी ब्राइट हल्का कर लेते हैं। करने के बाद आपको यहाँ से डन कर लेना है। फिर आपको यहाँ से आना है, क्लियरिटी थोड़ा सा हम इंक्रीज कर लेते हैं और वेंजिटी को हल्का माइनस कर लेते हैं थोड़ा सा 25 के आसपास। फिर आपको आना है सेटिंग को थोड़ा सा बढ़ाकर नॉइस रिटचिंग कर लेना है, आपको कलर नॉइस रिटचिंग कर डिटेल को 100 कर देते हैं, स्मूथ को 100 कर देते हैं। फिर आपको इसको क्या करना है, शेयर करना है पिक्सआर्ट एप्लीकेशन के अंदर। तो हम इसको यहाँ से शेयर कर लेते हैं। तो सिंपली दोस्तों हम इस इमेज को पिक्सआर्ट ऐप के अंदर शेयर कर लेते हैं। तो दोस्तों हम इस इमेज को पिक्सआर्ट ऐप के अंदर शेयर कर दिए हैं। शेयर करने के बाद आपको यहाँ पे ऐड फोटो का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो एक विंटर स्नो फॉल ले लेते हैं, इसका लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर सिंपली से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो हम इस स्नो फॉल को यहाँ से सिंपली से ले लेते हैं। इसको लेने के बाद कुछ इमेज के ऊपर इस तरह कर आपको यहाँ पे चले आना है ब्लेंड का ऑप्शन में और उसे स्क्रीन कर देते हैं। देख सकते हैं कुछ फेस पे आ रहा है, तो हल्का हल्का यहाँ से इरेज कर लेते हैं। इरेज में आने के बाद फिर यहाँ से डन कर लेते हैं। अगर इसको स्नोफॉल कॉल बढ़ाना है तो यहाँ से डुप्लिकेट ले लेते हैं अपने हिसाब से और कर सकते हैं, जो काफ़ी अच्छा दिखने में लगेगा, रियलिटी इससे आएगी फ़ोटो में। और इस तरह करने के बाद आपको यहाँ से डन कर लेना है। डन करने के बाद एक विंटर टेक्स्ट ले लेना है, इसका लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपके। इसको यहाँ से लेने के बाद आपको कुछ इस तरह बढ़ाना है और इसके भी ब्लेंड मोड को स्क्रीन कर देना है। स्क्रीन करने के बाद कुछ इस तरह हमको लगा देना है। तो देख सकते हैं दोस्तों हमारा फ़ोटो काफ़ी कुछ इस तरह का एडिट हो सकता है, हो चुका है, जो काफ़ी प्रोफेशनल दिखने में लग रहा है। और काफ़ी लोगों ने काफ़ी कमेंट किया था, आज मैं इसका ट्यूटोरियल लेकर आ चुका हूँ, वीडियो काफ़ी अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट जरूर करिएगा आपको वीडियो कैसी लगी और नेक्स्ट वीडियो आपको किस पे चाहिए। इस वीडियो को, इस इमेज को सेव करने के लिए आपको ड्रा टूल में आना है। ड्रा टूल में इसलिए हम इसको सेव कर रहे हैं क्योंकि हमारा जो पिक है HD क्वालिटी में सेव होगा, इसकी फ़ोटो क्वालिटी ख़राब नहीं होती है। और आप मेरे YouTube चैनल बनाए तो फटाफट सब्सक्राइब कर दें और बेल वाले आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले हर नई नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, टेक केयर।